गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। जैसा आप जानते हैं, अभी हम लोगों ने एक लेसन पढ़ा, अ नोबल रिवेंज। इसके एक्सरसाइज टू देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू सेंटेंसेस। आपको जो अब जो प्रश्न हम करेंगे, इसका दो या तीन वाक्यों में उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डिड जेनोवा नॉट एन्जॉय अ स्टेबल गवर्नमेंट। जेनोवा एक स्टेबल गवर्नमेंट को, जेनोवा में कोई गवर्नमेंट स्थिर क्यों नहीं रह पा रही थी, एक स्थिर सरकार क्यों नहीं बन पा रही थी वहां पे? कारण आपको मालूम है, देयर वेर टू पार्टीज, नोबल्स पार्टी एंड पीपल्स पार्टी। और जब कोई एक पार्टी, ये लोग आपस में पावर के लिए लड़ते रहते थे, और कोई एक पार्टी जब पावर में आती थी तो वो दूसरी पार्टी को दबा के नष्ट करने की कोशिश करती थी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए। और कारण ये था, इसलिए जेनोवा में स्टेबल गवर्नमेंट, स्थायी सरकार नहीं रह पा रही थी, स्थिर सरकार नहीं रह पा रही थी। आंसर वन, जेनोवा डिड नॉट एन्जॉय अ स्टेबल गवर्नमेंट बिकॉज देयर वेर टू पार्टीज, there were two parties which fought for power, when one of them came into power, it tried to crush and destroy the other. Genoa did not enjoy a stable government because there were two parties which fought for power. When one of them came into power, it tried to crush and destroy the other. किसी एक, कोई एक पार्टी पावर में आ जाती थी, came into power, तो दूसरी पार्टी को वो क्रश करके डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, नष्ट करना चाहती थी। इसलिए जेनोवा की जो गवर्नमेंट थी वो स्थिर नहीं रह पा रही थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द स्टेट हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट। उस स्टेट की, जेनोवा स्टेट की गवर्नमेंट कब स्थिर कब हुई? जब पीपल्स पार्टी पावर में आई और उबर्टो उसका लीडर था। When did the state have a stable government? Genoa had a stable government when the People's Party came into power
Roberto was its leader. Genoa had a stable government when the People's Party came into power and Roberto was its leader. थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. What did the Nobles Party do when it came into power? Nobles Party, आपको ध्यान होगा मैंने बताया शुरू में ही कि दो पार्टियां थी और आपस में एक पार्टी जब पावर में आती थी तो दूसरी पार्टी उसको क्रश करने के नष्ट करने की कोशिश करती थी. उसी प्रकार जब Nobles Party पावर में आई उन्होंने क्या करने की कोशिश की. उन्होंने भी एग्जैक्टली द सेम थिंग, उन्होंने डिसाइड किया कि हम पीपल्स पार्टी को क्रश कर देंगे और Roberto को वहां से जेनोवा से बैनिश करा देंगे. आंसर नंबर 3. व्हेन द नोबल्स पार्टी came into power, it tried to crush and destroy the People's Party and its leader. They were to get Roberto banished from Genoa. When the Nobles Party came into power, it tried to crush and destroy the People's Party and its leader. They were eager to get Roberto banished from Genoa. This was your third answer. Now the question number 4. Why did Roberto protest against the judge who was chosen to try him? जिस जज को Roberto का मुकदमा चलाने के लिए Roberto पे मुकदमा चलाने के लिए नियुक्त किया गया, Roberto ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों किया? सोचिए आंसर, क्या कारण था? रीजन जिस जज को Roberto पे मुकदमा चलाने के लिए कहा गया वो एक नोबल पार्टी का था और अगर वो नोबल पार्टी का है तो नेचुरली जब दोनों पार्टी में एनिमिटी है तो उसकी कोशिश होगी कि वो सजा दे Roberto को. Roberto एक फेयर ट्रायल की उम्मीद नहीं कर रहा था इसलिए उसने प्रोटेस्ट किया कि इस जज
के न्यायालय में मुकदमा ना चले. आंसर नंबर 4. उबर्टो प्रोटेस्टेड against the judge who was chosen to try him because he was a noble and so naturally hated Uberto and his party. Uberto protested against the judge who was chosen to try him. Uberto ने protest किया, विरोध किया उस जज का जो उसको उसका trial लेने वाला था, because he was a noble. Judge was a noble. और इसलिए naturally hated Uberto and his party. तो ये संभव था, there was a possibility that Uberto would not face a fair trial. Uberto को एक fair trial, एक न्यायपूर्ण मुकदमा face करने का मौका नहीं मिलेगा. इस fear से, इस डर से उसने उस जज का विरोध किया. Next question. What did the judge say about Uberto in the court? जज ने Uberto को Uberto से कोर्ट में क्या कहा? You the son of a mechanic? पहले ही उसको संबोधित ही इतने खराब तरीके से किया कि तुम मैकेनिक के बेटे हो और उसके ऊपर चार्ज लगाया कि तुम स्टेट के लिए जेनोवा के लिए डिसलॉयल और उसको बैनिश कर दिया जेनोवा से. बल्कि इस तरह का उसके ऊपर में उससे बात की जैसे वो एहसान कर रहा है सिर्फ बैनिश करके. उसने ये भी कहा कि तुमको जीने का हक नहीं है, तुम डिसलॉयल हो और मृत्युदंड होना चाहिए, पर मैं तुम्हारे ऊपर दया कर रहा हूँ. ये सब फ्रेम्ड चार्जेस हैं, माने उसको चार्जेस बनाए गए हैं. एक्चुअली Uberto का कोई दोष नहीं था, दोष सिर्फ इतना था कि वो पीपल्स पार्टी का लीडर था जिससे नोबल्स चिढ़ते थे, जिससे नोबल्स चाहते थे जिसको क्रश और डिस्ट्रॉय करना. इसीलिए ऐसे जज को वहां बैठाया गया कि Uberto को कड़ी से कड़ी सजा हो, उसके ऊपर आरोप लगाए गए और मुकदमा सुनाया गया कि तुम दोषी हो और तुमको सजा मिलनी चाहिए और मैं तुम्हारे ऊपर दया कर रहा हूं कि मैं तुम्हें मृत्युदंड नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं तुमको बैनिश कर रहा हूं जेनोवा से, आज के बाद तुम जेनोवा में दिखाई मत देना. तो ये चीज थी, ये बात थी जो Adorno जज ने Uberto से कहा. नाउ राइट द आंसर नंबर 5. द जज कॉल्ड Uberto as the son of a mechanic and charged him
फॉर बीइंग डिसलॉयल टू द स्टेट. Disloyal to the state. The judge banished Uberto from Genoa. The judge called Uberto as the son of a mechanic. Mechanic ka beta kaha, and charged him for being disloyal to the state. Kaha tum apne state ke liye disloyal ho. Aur judge ne banish kar diya Uberto ko Genoa se. Now the next question. Question number 6. How did young Adorno become a slave? आपको मैंने बताया कि यंग एडोर्नो जो था वो स्लेव बन गया. कैसे बन गया? जब ट्यूनीशिया, जब वो जिनोवा से सेल करके जा रहा था एडोर्नो अपने दूसरे मर्चेंट्स के साथ में, व्यापारियों के साथ में, ट्यूनीशियंस ने उनके शिप को अटैक कर दिया. लड़ाई हुई, जितने मर्चेंट्स थे सबको प्रिजनर बना लिया और उसके बाद उनको स्लेव्स की तरह से, गुलामों की तरह से बेच दिया. आंसर नंबर 6. यंग एडोर्नो was sailing from Genoa with some merchants when his ship was attacked by Tunisians. They fought the Tunisians took them as prisoners and later them into slavery. Young Adorno was sailing from Genoa when his ship was attacked by Tunisians. They fought. The Tunisians took them as prisoners and later sold them into slavery. You can see it properly or not? Write it down as is written here. Write it down. Now, our next question is question number 7. How did
ओबर्टो हेल्प द यंग मैन? ओबर्टो ने उस यंग मैन, यंग एडोर्नो की मदद किस तरह से की? आपने लिख लिया हो तो मैं ऊपर का मिटा देती हूं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड ओबर्टो हेल्प द यंग मैन? ओबर्टो ने किस तरह से उस नौजवान आदमी की मदद की? सोचिए क्या किया था ओबर्टो ने, किस तरह से मदद की थी, सोचिए। किस तरह से मदद की यंग एडोर्नो की? यंग एडोर्नो जो कि एक स्लेव के रूप में है ट्यूनिशिया में, या ट्यूनिस में जिसको आप बोलेंगे, और जब ओबर्टो ने देखा कि उस जज का बेटा वहां पे है, तो किस तरह से उसने मदद की? उसने मदद की जो रैंसम मनी था, उस रैंसम मनी को उसके ओनर को पेड कर दिया, दे दिया ओनर को, और एडोर्नो को फ्री करा लिया। आंसर 7, ओबर्टो पेड द रैंसम टू द ओनर ऑफ द स्लेव टू द ओनर ऑफ द स्लेव and set Adorno free, set Adorno free. ओबर्टो ने ransom pay कर दिया उस slave के owner को, और Adorno को मुक्त करवा लिया। इस तरह से उसने ओबर्टो की, sorry, एडोर्नो की मदद की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड ओबर्टो सेंड द यंग मैन होम? ओबर्टो ने एडोर्नो को उसके घर क्यों भेज दिया? वो चाहता तो बदला ले सकता था। घर इसलिए भेज दिया क्योंकि उसके माता पिता को उसकी ज्यादा जरूरत थी, जो माता पिता शायद ये भी भूल चुके थे, ये भी उनको विश्वास नहीं था कि उनका बेटा जिंदा होगा या नहीं। सालों की अनुपस्थिति के बाद, सालों, years of absence, इतने सालों की अनुपस्थिति के बाद माता पिता से एडोर्नो मिलेगा, कितनी खुशी होगी। ये सोचते हुए ओबर्टो ने एडोर्नो को वापस भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर 8, ओबर्टो सेंट एडोर्नो टू हिज होम बिकॉज His parents needed Adorno the most.
उबर्टो सेंट एडोर्नो टू हिज होम. उबर्टो ने एडोर्नो को उसके घर भेज दिया बिकॉज हिज पेरेंट्स नीडेड एडोर्नो द मोस्ट. उसके पेरेंट्स को, एडोर्नो के पेरेंट्स को ज़्यादा आवश्यकता थी अपने बेटे की, और वो नहीं चाहता था कि माता पिता से दूर रखे किसी बच्चे को. कितनी खुशी होगी उनको जब सालों बाद उनका बेटा घर वापस आएगा, और इसलिए उन्होंने उसने वापस भेज दिया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द लास्ट वन, व्हाई वाज इट अ नोबल रिवेंज. इस कहानी का पूरा जिस्ट है इसमें, व्हाई वाज इट अ नोबल रिवेंज. इसे एक नोबल रिवेंज क्यों कहेंगे, इसे एक आदर्श बदला क्यों कहेंगे. इसे आदर्श बदला इसलिए कहेंगे, इट वॉज अ नोबल रिवेंज, ये एक आदर्श बदला था, क्योंकि उबर्टो ने उस जज को माफ कर दिया जिसने उसको बैनिश कर दिया था जेनोवा से, वो भी बहुत ही अन्यायपूर्ण तरीके से. और उबर्टो ने मदद किया, उसके बेटे को स्लेवरी से मुक्त कराया और उसकी मदद की कि वो अपने माता पिता के पास वापस जाए. इसलिए इस रिवेंज को कहा जाएगा अ नोबल रिवेंज. एक आदर्श बदला. Answer number 9. It was a noble revenge. Because Uberto forgave the judge who had banished him from Genoa. Unjustly and helped his son. इसको छोटा सेंटेंस कर लेते हैं, मैं बहुत लंबा लिखूंगी तो आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी. Unjustly, Uberto helped his son. Be freed from slavery and to return to his parents. समझ लीजिए, इट वॉज अ नोबल रिवेंज. ये रिवेंज जो था ये एक नोबल रिवेंज था, बिकॉज उबर्टो, क्योंकि उबर्टो ने फॉरगिव द जज, उस जज को माफ किया हु हैड बैनिश्ड हिम फ्रॉम जेनोवा अनजस्टली, जिसने बहुत ही अन्यायपूर्ण तरीके से उसको बैनिश कर दिया था जेनोवा से. उबर्टो हेल्प्ड हिज सन, उसी जज के बेटे की मदद की उबर्टो ने टू बी फ्रीड फ्रॉम स्लेवरी, जिससे वो स्लेवरी से मुक्त हो सका एंड टू रिटर्न टू हिज पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स के पास वापस जा सका. सो दिस वॉज योर लेसन नंबर 3, अ नोबल रिवेंज. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.